दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया। एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अभय को मरने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, अगर आप नहीं तो ये जिंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। आगे का स्टोरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें।